हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक में फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, आपको आने वाले 6 to 8 months में एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, इसमें आपको 40% का प्रॉफिट जरूर मिल सकता है। लेकिन अभी मौका है, अभी अगर ये मौका को आपको अगर कैप्चर करना है तो इमिडिएटली आप पोजिशन बना के चल सकते हैं ये स्टॉक में। मैंने ऐसा नहीं कि ये स्टॉक को अभी आपके सामने बता रहा हूँ, इससे पहले भी ये वीडियो बना के भी आपको भी मैंने बताया हूँ ये स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं बोल के। मैंने खुद भी पोजीशन बनाया हूँ, तो मैंने इससे पहले भी पोजीशन बना के स्टॉक में बैठा हुआ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वो स्टॉक का नाम है कैम्स। अगर कैम्स की बात करेंगे, कैम्स में मैंने पहले से भी पोजीशन बनाया था। अगर हम देखेंगे, काफ़ी दिन पहले मैंने भी वीडियो बना के बताया था, उस टाइम पे भी मैंने पोजीशन बनाया था, कम्युनिटी टैब में भी बताया था। फ्रेंड्स, अभी अगर देखेंगे वो स्टॉक का प्राइस, अगर देखेंगे इस हिसाब से स्टॉक देखिए, अभी कुछ काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए कितना दिन से ये स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो ये स्टॉक एक्चुअल ऐसा ऐसा इसका रीजन भी है क्योंकि ये एएसएम लिस्ट में है। आप बोलेंगे एएसएम लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप अगर गूगल में आएंगे तो यहाँ पे अगर टाइप कर देंगे एएसएम लिस्ट, तो एनएससी का थ्रू से आपको निकल भी जाएगा। यहाँ पे अगर सेकंड जो लिस्ट है एनएससी इंडिया में, आपको एएसएम का लिस्ट निकल जाएगा जो कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर है। इसको जब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एएसएम लिस्ट है, तो इसके लिए काफ़ी सारा स्टॉक है। उसके लिए आए, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एएसएम के लिस्ट में तो हम पोजिशन नहीं बना सकते। पोजिशन हम बना सकते हैं, लेकिन ये एएसएम लिस्ट में जब होता है ना, उस टाइम पे इंट्राडे वगैरह के लिए इनके लिए वो नहीं होता है। तो फिर हम डिलीवरी में तो ले सकते हैं, हम डिलीवरी में लेके अगर रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक भी एएसएम लिस्ट में है, देखिए यहाँ पे इसीलिए मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए अल्कामाइन भी एएसएम लिस्ट में, तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक है। अपटेक है, यहाँ पे अदानी टोटल गैस है, काफ़ी सारा स्टॉक है, बालाजी अमाइन है, तो कैम्स भी है, यहाँ पे सीडीएसएल भी है, यहाँ पे एएसएम लिस्ट में है। तो उनका स्टेज वन स्टेज टू ऐसा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे स्टॉक में फ्रेंड्स, अभी स्टॉक का फंडामेंटल अगर हम देखेंगे, ये जो स्टॉक है म्यूचुअल फंड ट्रांसफर यूनिट्स यूनिट ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंट है। अगर हम देखेंगे इनका पोर्टफोलियो सर्विस भी है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस भी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। और यहाँ पे एक चीज़ तो हमें बिल्कुल, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, ये स्टॉक में ये कुछ इसका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी बढ़िया आया था। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ते जा रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग भी, यहाँ पे देखिए 30% का प्रोमोटर के पास में भी होल्डिंग है। यहाँ पे एफआई का होल्डिंग भी इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये बढ़िया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़िया से आया है। अगर हम देखेंगे फाइनेंशियली रिजल्ट भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़िया सा यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लें, यहाँ पे एनुअल से जाके क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लें, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स, सितंबर में यहाँ पे नेट इनकम अगर देखेंगे, यहाँ पे 72 करोड़ का यहाँ पे नेट नेट इनकम इनकम है, जो कि लास्ट सितंबर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 48.9 करोड़ का यहाँ पे था। तो नेट इनकम में बहुत बढ़िया सा राइज हुआ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी राइज हुआ है और ईयर ऑन ईयर में भी राइज हुआ है। तो यहाँ पे सेल्स भी, रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए स्टॉक में हम अभी पोजीशन बना के चल सकते हैं। अभी अगर हम बात करेंगे कितना परसेंटेज करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक फ्रेंड्स हमें 30% करेक्शन पे अवेलेबल है। अगर हम देखेंगे 4065 से लेके स्टॉक अभी 29-30% करेक्शन पे अवेलेबल है। तो 30% करेक्शन पे अवेलेबल है, मतलब हम अगर यहाँ से पोजीशन बना के चलेंगे, जो 30% करेक्शन है वो हमारे लिए 41% का ग्रोथ हमें बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, अगर हम इसी स्टॉक में अभी अगर पोजीशन बना के चलेंगे, वहाँ पे 41% का भी हमें पोटेंशियल मिल सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मैं फ्रेंड्स आपको दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको 1 month में ये टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ये एएसएम लिस्ट में है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हो सकता है 3 months भी लग जाएगा और लग जाए, हो सकता है 6 months लग जाए। फिर भी अगर 8 months भी लग जाए फ्रेंड्स, कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स। में अगर 40% का टारगेट हमारा ये एक साल में भी अगर अचीव हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा पैसा बनता है। ठीक है,
लेकिन आपको पेशेंस के साथ में स्टॉक को होल्ड करना है, उस टाइम पे फोमो का चक्कर में नहीं रहना है कि स्टॉक बाकी काफ़ी सारा स्टॉक भागे जा रहा है और हमारा स्टॉक बिल्कुल नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी स्टॉक में हम पोजीशन बनाते हैं, हम उसको पेशेंस के साथ में अगर रखेंगे अपने पास में, तो हमारा पैसा बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा पैसा नहीं बनेगा, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, तो इसलिए ये स्टॉक में आप अभी पोजीशन बना के चल सकते हैं, आपको 40% का गेन मिल सकता है। और इसका अगर डिटेल एनालिसिस वीडियो देखना है फ्रेंड्स, तो चैनल पे जरूर विजिट कर सकते हैं, चैनल पे काफ़ी सारा वीडियो है जो कि आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। तो अगर उसका टारगेट प्राइस देखना है तो आप जरूर यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, आपको बिल्कुल डर के सेल नहीं करना है। अगर अभी आप पोजीशन बना के चलते हैं, सपोज यहाँ पे पोजीशन बना के चलते हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक में अगर करेक्शन आता है, उस टाइम पर आपको होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है स्टॉक यहाँ तक भी आ सकता है, जो कि 2750 लेवल तक स्टॉक बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज भी निकल करके आता है। यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन सपोर्ट भी है, काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट भी बन के आ सकता है। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो इसलिए अगर स्टॉक यहाँ पे यहाँ तक आता है तो आपको होल्ड करना है, बिल्कुल सेल मत कीजिए, ठीक है। और अगर हम देखेंगे आरएसआई की बात करेंगे, यहाँ पे 38 पे आरएसआई चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टॉक में अगर पोजीशन बनाना है तो बना लीजिए, आपको 40% का गेन मिल सकता है। इसके लिए आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, 6 मंथ्स होल्ड करना पड़ेगा, हो सकता है 8 मंथ्स भी होल्ड करना पड़ जाए, ठीक है। मैं तो अपना पोर्टफोलियो में पोजीशन बना के रखा हुआ हूँ, आप थोड़ा सा खुद का एनालिसिस करके इसमें पोजीशन बना के चल सकते हैं, मिड कैप स्टॉक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।